तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो होने वाली है फिर से आपकी, सिर्फ आपकी डिमांड पे मैं ला रहा हूँ फिक्शन वॉर का एपिसोड 3। तो ये एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है गाइस। सॉरी, मुझे माफ़ करना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं इस एपिसोड में एनिमेशन का इस्तेमाल से बहुत कम कर पाऊँगा, क्योंकि एनिमेशन का इस्तेमाल कर ही नहीं पाऊँगा। प्लीज़ आप से मेरी वॉइस सुनिए, उसको उस वॉइस को ही एनिमे बना के अपने दिमाग में सोच लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 2 मैचेस हुए थे 2 या 3 अपने टेंटेल्स और अपने फाउंडिंग कैरेक्टर के बीच, और अपना वेजिटा और अटैक टाइटन के बीच, अपना साइतामा वर्सेस हल्क के बीच हुआ था। तो इन तीनों मैच के विनर थे टेंटेल्स, वेजिटा और अपना साइतामा। तो अपना ईवल ग्रैंड प्रिंस जो है वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए सारे रेस्ट कर लो, उसके बाद टूर्नामेंट के लिए आ जाना। पर तभी ग्रैंड प्रीस्ट जो है अपना, वो एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट ईवल ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर कर देता है। तो ईवल ग्रैंड प्रीस्ट हंसते हंसते ग्रैंड प्रीस के मुंह पर एक खींचकर जोरदार पंच मारता है, जिससे ग्रैंड प्रीस टूट जाके गिरता है। और ग्रैंड प्रीस कहता है कि ये मुझसे इतना पावरफुल कैसे। पर तब एक ग्रैंड प्रीस को अंदाज़ा हो जाता है कि उस गॉड ने, उस एंटिटी ने अपनी थोड़ी सी पावर इस ईवल ग्रैंड प्रीस को दे दी है। और ईवल ग्रैंड प्रीस के मुंह पर पंचेस बरसाते रहता है और उसे खींच के किक मारता है, जिससे ग्रैंड प्रीस दूर जाके गिरता है। और ईवल ग्रैंड प्रीस कहता है कि जाके अपनी ट्रेनिंग संभालो, वरना तुम सबको मैं यहीं मार डालूंगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी ईवल ग्रैंड प्रीस कहता है कि सारे के सारे आ जाओ। पर तभी गोकू ग्रैंड प्रीस से कहता है कि अगर हम ये पता लगा लें कि वो गॉड कौन है, तब हम जाके कुछ कर सकते हैं। तभी ईवल ग्रैंड प्रीस कहता है वो हम बाद में देखेंगे, पहले तुम टूर्नामेंट पर ध्यान दो और हाँ, हारना मत, क्योंकि भले ही तुम्हें हारने के बाद कुछ नहीं हो रहा, पर अभी थोड़ी देर के बाद ही जो हारेगा उसको मार डाला जाएगा। और अगर सारे यूनिवर्स के फाइटर्स इरेज हो गए तो फिर वो पूरे का पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो हाँ, फिर अपना जो अपना ईविल ग्रैंड प्रीस्ट है वो 2 नाम अनाउंस करता है। सबसे पहला डीसी यूनिवर्स से माइकल डेमियोर्गस और ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से ब्रोली। तो दोनों ही आ जाते हैं, आपको पता ही कि इन दोनों के भी जमीन आसमान का फर्क, एक तरफ गॉड का बेटा और एक तरफ एक सैयन। ब्रोली आते ही अपने माइकल डेमियोर्गस पर बहुत सारे पंचेस बसाना था, पर माइकल डेमियोर्गस बहुत ईजिली उसे डॉज करता है और एक अपनी फिंगर से उसको टच करता है ब्रोली को, और ब्रोली दूर जगह गिरता है। तभी ब्रोली गुस्से में अपने सुपर सैयन फॉर्म को अचीव करता है और अपने माइकल डेमियोर्गस को मारने लगता है। पर माइकल डेमियोर्गस सिर्फ अपनी पलक को झपकाता है और अपना ब्रोली घुटनों पर आ जाता है। ब्रोली और गुस्से में आता है और अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म को अचीव कर लेता है, और ब्रोली एक खींच कर पंच मार देता है माइकल डेमियोर्गस को। माइकल डेमियोर्गस का मुंह थोड़ा सा पीछे हो जाता है, पर माइकल डेमियोर्गस हंसते हंसते एक उंगली से ब्रोली को मारता है और ब्रोली हवा में चढ़ जाता है। और माइकल डेमियोर्गस एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है ब्रोली को और ब्रोली ज़मीन पर धंस जाता है। पर तभी ब्रोली अपनी फुल पावर को कंट्रोल करता है और अपने मन में सोचता है कि सब स्ट्रॉन्ग है पर मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और ब्रोली कहता है कि मैं हार नहीं सकता, और ब्रोली तभी सुपर सैयन 10 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने माइकल डेमियोर्गस को मारने लगता है। और अब वो थोड़ी देर के लिए माइकल डेमियोर्गस की पावर को मैच कर पाता है। माइकल डेमियोर्गस इसे भी कमज़ोर फॉर्म समझ रहा होता है, पर अपना ब्रोली सुपर सैयन 10 में आते ही अपने माइकल डेमियोर्गस के मुंह पर एक खींच कर पंच मारते हैं, माइकल डेमियोर्गस दूर जगह गिरता है। अब माइकल डेमियोर्गस भी सीरियस होता है और अपनी थोड़ी सी पावर को अपने मुक्के में लाकर एक जोरदार मुक्का सुपर सैयन 10 ब्रोली को मारता है, और सुपर सैयन 10 ब्रोली फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि ब्रोली की आई बॉल्स फट जाती हैं और वो अपने आप को शांत करता है और विस ब्रोली की तरफ देखकर कहता है ब्रोली अभी, और ग्रैंड प्रीस्ट अपनी थोड़ी सी पावर ब्रोली को दे देता है और ब्रोली ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद वो माइकल डेमियोर्गस से लड़ने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। पर तभी ब्रोली उसी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में सुपर सैयन 3 को अचीव करता है और वो उस सुपर सैयन 3 में भी
अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुपर सैयन 3 में से सुपर सैयन 10 में चले जाता है और अपने माइकल डेम्यूर्गो से लड़ने लगता है। और अब वो माइकल डेम्यूर्गो उसके मुंह पर खींच कर पंच मारता है। माइकल डेम्यूर्गो जमीन पर धस जाता है। माइकल डेम्यूर्गो जब बाहर निकलता है तो ब्रोली उसके पेट पर एक नी मारता है, उसके मुंह पर पंचिस बरसाने लगता है और माइकल डेम्यूर्गो सब देख के डर जाता है कि ये हो क्या रहा है। फिर आखिर में माइकल डेम्यूर्गस अपनी तलवार को बाहर निकालता है पर ब्रोली तलवार को साइड में फेंक कर माइकल डेम्यूर्गस के मुंह पर एक पंच मारता है। अब प्रेजेंस भी अपनी थोड़ी सी पावर माइकल डेम्यूर्गस को देते हैं और माइकल डेम्यूर्गस सिर्फ एक ही तलवार के शॉट में ब्रोली को नॉकआउट कर देता है और ब्रोली हार जाता है। तो अब अपना ब्रोली इस मैच से बाहर हो जाता है। तो अब अगला जो इविल ग्रैंड फिगर नाम अनाउंस करता है सुपरमैन आ जाए और गोकू आ जाए और अभी दोनों आ जाते हैं और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। गोकू आते ही अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में आता है और अपने सुपरमैन से लड़ने लगता है। कभी गोकू सुपरमैन के पेट पर पंच मारते हैं। इसके बाद मैं आपको जो एनिमेशन दिखा रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ उसको कन्फ्यूज मत करना, मैं अगर कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो सुपरमैन और गोकू के बीच तगड़ी फाइट होती है। कभी गोकू सुपरमैन को मार रहा होता है तो कभी सुपरमैन गोकू को मार रहा होता है। ऐसी ही फाइट चलती जाती है पर अपना गोकू सुपरमैन के फेस पर एक खींच कर पंच मारता है जिससे सुपरमैन दूर जाके गिरता है और सुपरमैन भी बदले में गोकू को एक किक देता है जिससे गोकू जमीन में जाके गिरता है। बस गोकू अब अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में होता है और अपनी सुपर सैयन फॉर्म में आने के बाद गोकू एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट सुपरमैन की तरफ फायर करता है और सुपरमैन उस की ब्लास्ट से लग जाता है। गोकू सुपरमैन के पेट पर एक खींच कर पंच मारता है जिससे सुपरमैन जमीन में जाकर धस जाता है और सुपरमैन अब अपनी हीट विजन का इस्तेमाल करता है जो कि अपने गोकू को जाकर लगती है और गोकू दूर जाकर गिरता है। अब गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ही कायोकन में आ जाता है और एक जोरदार पावरफुल पंच सुपरमैन को दे मारता है जिससे सुपरमैन बहुत सारे पहाड़ को तोड़ कर हार जाता है और इविल ग्रैंड फिश कहता है मैं सुपरमैन को एनिमिलेट करता हूँ और अब वो सुपरमैन को एग्जिस्टेंस से उड़ा डालता है। मतलब अब एनिमिलेशन टाउन स्टार्ट हो चुका है। पर तभी वहाँ पर बिजली चमकने लगती है और हमको दिखाया जाता है वो गॉड जो कि ये टूर्नामेंट को अनाउंस कर रहा था और वो गॉड होता है जो कि पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। तो गाइस अगर ये आपके लिए सस्पेंस रखता हूँ तो मिलेंगे ऐसी ऑसम सी वीडियो के साथ। अगले एपिसोड के लिए रेडी रहना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।